देखो भाई, आज मैं लाया हूँ ये गिलोय की बेल। ये मैं अपने मामा के यहाँ से काट के लाया हूँ इसकी टहनी। तो हम इसको लगाएंगे इस गमले में। ये काला गमला है, ये देखो, ये मेरे हाथ के साइज का, ये 8 इंची का पॉट है, मिट्टी से भरा हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि इसके लिए किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए। तो इसका जवाब है कि किसी भी प्रकार की मिट्टी चलेगी गिलोय की बेल उगाने के लिए, क्योंकि गिलोय की बेल एक बहुत हार्डी बेल होती है। देखो, कम से कम 2 घंटे पहले मैंने इसको काटा था यहाँ से, और ये अभी तक भी इसके पत्ते देखो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं मुरझाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बहुत हार्डी बेल होती है, इसको किसी भी कंडीशन में किसी भी तरीके से लगाया जा सकता है। तो अब इसके बाद दूसरी बात आती है कि इसको किस तरफ से लगाया जाएगा। तो जहां से मैंने इसको काटा है उस चीज को नीचे की तरफ रखा जाएगा, यानी कि जो ऊपर को बढ़ रही थी उस चीज को ऊपर ही रखा जाएगा। तो इसके फिलहाल तो मैं इसके 3 टुकड़े करके लगाऊंगा, ठीक है? मैं इस गमले में 3 बेल लगाऊंगा। तो सबसे पहले ये देखो, ये नीचे का सिरा देख रहे हो आप, ये बड़ा उबड़ खाबड़ है, इसको प्लेन सा काट लेता हूं मैं, क्योंकि इसको मैंने वहां पे प्लास से काटा था। तो यहाँ कटर भी, इसको देखो स्मूथ काट लिया मैंने। अब इसके मैं 3 टुकड़े कर लेता हूँ। ये देखो मैंने 3 टुकड़े कर लिए। अब दूसरी बात हमें देखनी है कि इसको लगाने के लिए हमें क्या प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। तो इसका भी जवाब यही है कि कोई प्रोसेस नहीं, किसी भी प्रकार का कोई केमिकल या कोई भी रूटिंग हार्मोन लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। लगा लोगे तो वो आपके मन की मर्जी है, लेकिन नहीं भी लगाओगे तो भी ये पूरे तरीके से चलेगी गारंटी के साथ। तो इसके बाद हमें क्या करना है, आप इसमें बस ऐसे प्रेस कर देना, ठीक है? पहली बेल मैंने प्रेस कर दी, इसको भी गाड़ दिया, और ये देखो ये मैंने अभी अभी आपके सामने काटी है, इसको भी गाड़ दिया। अब तीसरी बात क्या है इसमें ध्यान रखने वाली, कि हमें ध्यान क्या रखना है इसमें, हमें ये ध्यान रखना है कि जब तक इसमें नए नए नवीनीकरण फुटाव ना आ जाएं, यानी कि जो छोटे छोटे फुटाव से निकलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि बेल चलने लगी है, तब तक हमें इसे हिलने नहीं देना है। अगर ये हिलेगी तो इसकी जड़ों को निकलने में परेशानी होगी, और इन एनी केस वो निकल भी जाती है तो वो बहुत नाजुक बाल होते हैं, तो ये हिलेगी तो वो जड़ के जो बाल होंगे वो टूट जाएंगे। तो इसलिए हमें बस इसको हिलने से बचाना है। हिलने से बचाने के लिए आप इसको किसी ऐसी जगह रखें जहाँ पे इसको बहुत तेज हवाएं ना हिलाएं, गिलहरी ना हिलाएं, या आप ना हिलाएं, बस उसके बाद ये, अगर आपने इस चीज का ध्यान रख लिया तो ये पक्का गारंटी से चलेगी। और फिर जब हम ये हमारी चलने के बाद काफी मात्रा में बढ़ने लग जाएगी तब हम इसको बड़े गमले में शिफ्ट कर देंगे। आप डायरेक्ट भी बड़े गमले में लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेरे पास बड़ा गमला नहीं है तो इसलिए मैं इसको छोटे गमले में लगा रहा हूँ, और बाकी जैसी आपकी मर्जी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, और किसी जरूरतमंद के साथ इसको शेयर भी करना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।